जब मोहन महर्षि ने आपको अपने कमरे में बुलाया मैंने प्यार किया अरे यार यार वो था था मतलब मैं 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 आई डोंट रिग्रेट 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 किसने कहा मैं नहीं करता मतलब, नहीं। मतलब यार मैं जब पढ़ रहा थर्ड था, ईयर में तो मैं पास आउट होने में मेरे तीन चार महीने बाकी थे मैं दो महीने बाकी थे तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे अपने उसमें रूम में बुलाया तो मैं मैं अच्छा मैं बड़ा हसीन लड़का था मैं अपने जमाने में बहुत खूबसूरत लड़का था ये पहले बतला दूँ मैं बहुत सुंदर लगता था उस वक्त तो मेरी जो जर्मन जबड़ा था और जो यूनानी नाक थी तो उसको जो है बड़ा कंपेयर किया जाता था कि यार बड़ा क्या, क्या फिर से बताइए क्या था यूनानी नाक और जर्मन जॉ जो एन एस डी में कई बार जा जाता है ना फीचर्स आके जाते हैं ना फीचर्स तो जर्मन जॉ था मेरा एन एस डी के आंकड़े के हिसाब से और यूनानी नाक थी रोमन नोस थी तो बुलाया मेरे को जो है मैं गया डायरेक्टर चैंबर में तो वहाँ पर एक बूढ़े सज्जन बैठे हुए थे तो मेरा परिचय कराया कि भाई ये अब मैं नाम ले लूँगा ये बड़े डायरेक्टर हैं और ये अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं बतौर डायरेक्टर के सूरज बड़जात्या के पापा थे अब जो भी थे लेकिन मैंने नाम नहीं लिया उसका है? नाम नहीं लिया उन्होंने कहा कि हम ये एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है मैंने प्यार किया और लड़की की खोद हो चुकी है और लड़के के लिए ये एनिस डिया हैं तो मैंने तुम्हारा नाम लिया था तो बड़े देख कर मुतासर हुए कि यार क्या क्या नाम है आपका मैंने कहा पीछ मिश्रा कब निकल रहे हो यहाँ से मैंने कहा दो साल बाद दो 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 महीने बाद क्या निकलते साथ ही बॉम्बे आ जाओ और आप मेरा कार्ड लो ये राजकमल कला मंदिर का और तुरंत देवी में दफ्तर है देवी में दफ्तर है तुरंत वहाँ पर आ जाओ तुरंत वहाँ पर आ जाओ मैंने ले लिया मैंने कहा ठीक है चला जाऊँगा और फीचर उनने बहुत बड़े पसंद आए उन्होंने कहा आपको कोई फोटोग्राफ है तो मिस्टर मैशो बोल कि मैं दे दूंगा तो फोटोग्राफ उन्होंने दे दिया तो बाहर आ गया उसके बाद पंद्रह दिन बाद मिस्टर महेशी मुझे फिर मिले क गली में उन्होंने कहा तो से फ़ोन आया तुम चले जाओ तुरंत जाओ अगर एन बीच में छोड़ना पड़े तब तो भी चले जाओ तुम तो मैंने कहा कि जो है मैं चले जाऊँगा सर मैं नहीं गया क्यों नहीं गया संगनी प्रसंग तब हो चुका था यार दिल में बड़ी बड़ी खटास थी साली पता नहीं क्यों दुनिया से नफरत हो गई थी तो मैं जो है इसीलिए नहीं गया संगनी प्रसंग हो चुका था तो उसके बाद फिर मैंने गया तीन साल बाद गया तो वहाँ बड़े सलमान खान थे वहाँ पर पैदा हो चुके थे, थे तब पिक्चर की वजह से मैंने कहा अच्छी बात लेकिन तब तो अगर चला जाता मैं तो ये काम नहीं कर पाता जो मैंने काम किया बाद में थिएटर सबका अपना, सब अपना सफर है सबका अपना सफर है सबकी डेस्टनी है यार अपनी, अपनी। जैसे डेस्टनी है कि बज्जू भाई के यहाँ कॉल आया बज्जू भाई के यहाँ कॉल आया हाँ हाँ उनके यहाँ कॉल आया कि मेरे को इंतजार एक सीरियल था तो बच्चे हो गए तुम लोग तो भी कुछ पैदा भी नहीं होगा अख्तर आफ... मिर्जा।, मिर्जा बड़ा था। उसके आखरी में जो है। उस वक्त आने नहीं तो तो किया गया मुझे उसके लास्ट अपिसोड में तो उसका फोन आया तुम तो चला गया मैंने कर लिया वापस आ गया वही कहानी है यही तो मैं कह रहा था इंट्रो में आप सब झटक देते हैं पानी की तरह हाँ फिर एक्ट वन एक्ट वन वो, वो उसके सी क्या के केस के बाद में आया फिर एक्ट वन था एक्ट वन ने तो मैं आया तब आपके एन के शर्मा ने प्ले कर दिया था नेटुआ उसके बाद फिर हम लोग लग गए हम लोगों ने बहुत सुना जरा नेटुआ के बारे में बताइए नेटुआ के बारे में था नहीं यहाँ पर मैं तो बॉम्बे में था मेरे से मैंने एक साल बाद ज्वाइन किया ना मैंने मेरे टाइम में हुए आपके मतलब हमारे दौर में जब शहर हमारा सोता है वहां को उनका मादान जो जिंदगी है ना लाइफ एंड टाइम्स वगैरह ले लिओ जिनी मैकी मैकी सीली सीली माधवी ये सब हमारे टाइम में हुए तो ये जो है उसके बाद में वो बड़ा वो एक्टवन का तो खैर मतलब एक्टवन तो परचम था मतलब बहुत ही कमाल ग्रुप था बहुत ही खतरनाक ग्रुप था ऐसा थिएटर यहाँ पर द, 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 ऐसा थिएटर जो है बिना किसी फाइनेंशियल एड के ऐसा थिएटर दिल्ली में कभी नहीं हुआ

दोस्त है अब भी है मतलब आप यार कई बार जो है दो बंदे नहीं मिलते तब भी जो दोस्ती बनी रहती है ना जरूरी है हमारे बीच में कि कई बार दो बंदे नहीं मिल रहे तब भी दोस्ती है मेरे ख्याल से मेरी तरफ से जो है उस तरफ से है या नहीं मुझे मालूम नहीं मेरी तरफ से तो है मैं अभी तक हूं उसका दोस्त <स्थ>